दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, जैसे कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो, जैसे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मैंने जो एग्ज़ाम दिए उसका रिज़ल्ट अच्छा आए। काफ़ी लोग की ये है कि प्रॉब्लम है कि हमारा बिजनेस जो नहीं चल रहा है वो चलना शुरू हो जाए, घर के अंदर जो कलह है वो दूर हो जाए, और इसके सिवाय भी जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस टोटके को यदि पॉसिबल हो तो आप आज भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे अगले मंगलवार को करके देखें। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आज आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आज की तारीख में आप इसको मान लें, आप अपने आप से कह दें, आप अपने घर के पूजा स्थान में ही एक दीपक जला लें और जला करके आप हनुमान जी के सामने या तो हनुमान जी के नाम से ये कह दें कि मैं आपके मंदिर में आकर के ये चीज़ आपको अर्पित करूँगा या करूँगी यदि मेरा ये काम हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों, बहुत ही साधारण, बहुत ही छोटा उपाय, जैसे आप और हम सब जानते हैं हनुमान जी को प्रसाद में लड्डू चढ़ाए जाते हैं, बराबर। काफ़ी जगहों पर गुड़ और घी और गेहूं की बनी हुई कोई भी वैरायटी हो उन्हें चढ़ाई जाती है, उन्हें अर्पित की जाती है। और ये हकीकत है दोस्तों, घी, गुड़ और गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़, कोई भी मीठी चीज़, लड्डू वगैरह भी यदि आप बना करके चढ़ाते हैं, सुखड़ी आप बना करके चढ़ाते हैं, आपका काम बहुत जल्दी होने लग जाता है। और ये बिल्कुल हकीकत बात है दोस्तों, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने दोस्तों सुना होगा गुड़ और चना, क्योंकि गुड़ और चना गुरुवार के दिन चढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपको मंगलवार के दिन, क्योंकि ढेरों प्रॉब्लम्स दोस्तों जो आपके घर के अंदर विद्यमान है वो जुड़ी होती हैं गुरु ग्रह के असर के अंदर होती है। लेकिन और गुरु ग्रह के मालिक कौन है? भगवान विष्णु के काम किसने किए? भगवान श्री राम के काम किसने किया? हनुमान जी ने। तो दोस्तों, ये उपाय आप जो चीज़ गुरुवार के दिन चढ़ाई जाती है आप मंगलवार के दिन इसको करके देखें, क्योंकि जैसे जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम के सारे काम सफल किए थे, आप उन्हीं की चीज़, उन्हीं की प्रिय चीज़ आप हनुमान जी को चढ़ा करके देखें, अर्पित करके देखें दोस्तों, रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। आप घर में दिया जला लें और हनुमान जी के सामने ये मान्यता कर लें, बाधा मान लें कि मेरा एक काम होगा, मैं गुड़ और चना आपको अर्पित करूंगी। फिर आप दूसरे मंगलवार को जा करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले भी ये काम कर सकते हैं, जैसे कि आप यदि आज ही पहुँच रहे हैं या आप अगले मंगलवार को जाना चाहते हैं कि नहीं मैं आपको अर्पित कर दूंगा, मेरा ये काम होना चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं, मतलब पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर में दोस्तों चले जाएं और वहां जाकर आप तेल सिंदूर उन्हें अर्पित करें, घी का दिया लगाएं, बराबर, अगरबत्ती लगा दे दोस्तों, और उसके बाद आप अपनी यथाशक्ति गुड़ और चना हनुमान जी को अर्पित करें। क्या करना है? गुड़ और चना आपको हनुमान जी को अर्पित करना है, और यदि पॉसिबल है तो आप पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके थोड़े गुड़ और चना हनुमान जी के पास रख दें, और आप 27 टाइम आप राम 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 बोलें अपनी इच्छा बोलते हुए, और जो भी आपका दुख है, जो भी आपकी तकलीफ है, वो आपको हनुमान जी के सामने बोलनी है। और उसके बाद दोस्तों, बाकी के जो गुड़ और चने हैं आप छोटे बच्चों को बांट दें। क्या करना है? छोटे बच्चों को बांट देना है दोस्तों। काम इतनी जल्दी होगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि यस, इतनी जल्दी ये काम हो गया, लेकिन ये शक्य है दोस्तों, और ये मतलब बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाता है यदि मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाए जाते हैं। तो आप इसको काम होने से पहले भी चढ़ा सकते हैं, और यदि आप मंदिर में नहीं पहुँच पा रहे हैं तो घर में ही आप हनुमान जी के नाम का दिया जला करके मंगलवार के दिन ये मान्यता रख लें, ये बाधा मान लें कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके मंदिर में आकर के गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आप देखेंगे दोस्तों, रिजल्ट बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है।
जैसे ही आपका काम होता है आप मंगलवार के दिन जाएं और हनुमान जी के चरणों में गुड़ और चना अर्पित करें और थोड़े से गुड़ और चना पीपल के पत्ते में रख करके हनुमान जी के यहाँ मंदिर में ही आप छोड़ करके आ जाएं। जब भी आप अपनी इच्छा बोलते हैं तो आपको हनुमान जी के सामने आपकी प्रॉब्लम तो बोलनी है, लेकिन उसके बाद आपको श्री राम को याद करना है, क्योंकि जो चीज़ आप चढ़ा रहे हैं वो चीज़ भगवान श्री हरि की पसंद की चीज़ है, गुरु ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ है। तो आपको 27 का अंक है जो जुड़ा हुआ है मंगल से, भगवान श्री राम का नाम लेना है 27 बार, बराबर। और मंगलवार के दिन आपको एक क्रिया करनी है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के। बहुत जल्दी दोस्तों आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।